Hi everyone, you are watching Solutions of Techno-Guru. आज का पहला सॉल्यूशन है कि आप अपने सिस्टम से टेम्प्री फाइल्स को कैसे डिलीट करेंगे. सबसे पहले आप नोटपैड खोलिए, नोटपैड को ओपन करने के बाद आप इसमें लिखिए cd \, फिर एंटर, फिर लिखेंगे del /star.tmp/s/a/q. उसके बाद आप फाइल पे जाइए, सेव एज पे क्लिक कीजिए, सेव एज टाइप में आप सेलेक्ट कीजिए ऑल फाइल. तो फाइल का नाम कुछ भी दीजिए बट उसके एक्सटेंशन .cmd होनी चाहिए, ठीक है. या आप जैसे ही सेव करेंगे आपके डेस्कटॉप पे एक फाइल बन के आ जाएगी. आप इसको डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करते ही ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपके सिस्टम के अंदर की सभी टेम्प्रेरी फाइल्स को ये डिलीट करना शुरू कर देगी, ठीक है. दूसरा तरीका है कि आप विंडो आर प्रेस कीजिए, इसके अंदर आप डालिए %temp%, उसके बाद ओके कीजिए. अब इस फोल्डर के अंदर जितने भी कंटेंट हैं आप उनको सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको डिलीट कीजिए. जितने डिलीट हो सकते हैं उतना डिलीट कीजिए, नहीं तो बाकी सबको स्किप कर दीजिए, ठीक है. ऐसा करने से आपके सिस्टम में जैसे आप वर्ड की फाइल ओपन करते हैं तो टाइम लगता है, तो ये सब इस तरह की प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.